नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और आइए एक नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। टीकमगढ़ जिला भारतीय किसान संघ ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। अन्नदाता किसान से बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी खेतों पर से मोटर पंप साइकिल घरेलू सामान ट्रैक्टर कुर्की करके बिजली के बिलों का भुगतान ले रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है मातोल से आए हुए किसानों ने। बताया कि हमारे घर व खेतों में महीनों से बिजली नहीं आ रही है, बिजली के तार टूटे पड़े हुए हैं, जिनके शिकायत सब किसानों ने मिलकर विद्युत मंडल को दी और उसे अवगत कराया, लेकिन विद्युत विभाग टीकमगढ़ ने हम किसानों पर हजारों का बिल ठोक दिया। मातौल से आए हुए किसान प्रताप सिंह राजावत, गोविंद भान सिंह, रामचरण गुंचा आदि किसान ज्ञापन देते समय मौजूद रहे। ये थी जावेद खान की रिपोर्ट। विजय सिंह ठाकुर, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संघ से। क्योंकि बिजली विभाग की तानाशाही सभी तहसीलों में चल रही है, जो उनके कनिष्ठ यंत्री हैं वो घर से सामान उठा के ला रहे हैं किसानों का, कह रहे हैं जमीन बेचो आप या कुछ भी करो, हमें तो पैसा चाहिए। उस संबंध में आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि जब तक फसल ना आए जब तक किसानों से राशि वसूल ना की जाए, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। अगर कलेक्टर साहब से एक घंटे बाद बात नहीं होती है तो एक हफ्ते के बाद किसान संघ संपूर्ण तहसीलों में धरना आंदोलन करेगा, इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। विद्युत मंडल वाले ये परेशान कर रहे हैं कि जिसका बिल है किसानों का, उनके घर से सामान उठा रहे हैं, ट्रैक्टर उठा रहे हैं, साइकिल जो भी मिल रही है, और बता रहे हैं कि आप जमीन बेचो, हमें क्या करना, हमें तो पैसा चाहिए। किसान कहाँ से जब पैसे लाएगा, जब तक फसल नहीं आएगी, जब तक हम लोग चाहते हैं उसको राहत मिल जाए। अभी अपन ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उन्होंने एक घंटे का बोला है कि एक घंटे में हम आपकी समस्या का निराकरण कर रहे हैं। कहीं कहीं गांव में 5 साल से बिजली भी नहीं है, वहां पे FIR दर्ज की जाती है किसानों के साथ, रेगुलर बिल आ रहा है, नाजायज परेशान किया जा रहा है। 5 साल से बिजली ना होने के बाद हाँ। भी कुड़ंग वारंट है, बिल भी आ रहा है रेगुलर। हां भाई, आपका प्रताप सिंह है जी? प्रताप सिंह, पूरा नाम बताओ। प्रताप सिंह राजावत, मातौल, जिला टीकमगढ़। हाउ ऊषा का काम है यार, समस्या ये है श्रीमान जी की, हाउ पेशाब तो हो जा रहा। 1/16/2016 को रात में 1:30 बजे चोरों ने तार काटे हुए थे, हम लोगों ने पकड़ लिए चोर और पुलिस को के हवाले कर दिए, तार भी OIC को बरामद भिजवा दिए, और उसी दिन से और आज तक उस ट्रांसफार्मर में लाइट नहीं है, बिजली ख़राब है, और हमारे पास बिल आते रहे। आज की तारीख में अब उन्होंने कुड़ंग वारंट भेज दिए। कहाँ के हुआ जी? मातौल के हैं। बिना उसके है। हाँ जी, और आज भी मौके पर चल के देखिए, वहाँ जाके साहब लोग देखे मुआवना करें कि बिजली उसमें है ट्रांसफार्मर में कि नहीं, पूरी लाइन खराब पड़ी हुई है। उसके लिए हमसे बोला है कि पैसे दो। हमने 4-5 साल से हमने बिजली चलाई नहीं, मोटर चली नहीं बिजली से, हम बिल कहाँ से देंगे? अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे तो हमको कोई पैसे वाला क्या मजदूरी दे देगा? इसी तरह हमने बिजली नहीं चलाई तो हम बिल कहाँ से देंगे, ये बताइए आप। लाइट नहीं थी तो आपने शिकायत की कि हमारे यहाँ लाइट? हाँ जी, अब जैसे उनको FIR पुलिस को दिए थे, वो तार OIC को दे दिए थे कि ये लाइन खराब है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर किस लिए आए हो? यहाँ पर आए कलेक्टर साहब के लिए देने के लिए कि हम पैसा कहाँ से दें, गरीब आदमी हैं हम। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अब आश्वासन तो अभी वो मीटिंग में है, एक घंटे बाद के लिए बोले हैं कि एक घंटे बाद हम। अभी किसी पे FIR तो नहीं है? नहीं, FIR नहीं हुई है, लेकिन वो उन्होंने नोटिस भेज दिए, नोटिस जारी कर दिए हैं कुड़क वारंट के। कितने लोगों की है? 10-12 आदमी हैं। बोलो। एक गोविंदा चढ़ा, भान सिंह ठाकुर, और जे रामचरण सिंह, तना छदामी सिंह, और गुंजा अहरवार, और बुद्ध सिंह, भोपाल सिंह। हाँ जी,